आगरा के थाना सैया इलाके की पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक कार से दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्करों की कार से पुलिस ने चेकिंग के दौरान करीब 200 किलो गांजा बरामद किया। पुलिस ने फौरन कार को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस के मुताबिक ये गांजा महाराष्ट्र से तस्करी करके लाया गया था और आगरा में इसकी खपत होनी थी। कार से गांजा तस्करी करके लाए दोनों तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शहरी जो निकाय चुनाव है उसके लिए सभी थाना क्षेत्रों में सघन चेकिंग अभियान आगरा पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है। इसी के क्रम में थाना सैया में चेकिंग के दौरान महाराष्ट्र के एक जनपद से लाया जा रहा लगभग 2 क्विंटल गांजा पकड़ा गया है, जो काफ़ी बड़ी मात्रा है, और इसके साथ 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई। इस गांजे की जो कीमत है वो 25 से 30 लाख रुपये बताई जा रही है। हम लोगों को जो अभियुक्त और शेष हैं इस प्रकरण में, जिनको ये गांजे की डिलीवरी होनी थी और जहाँ से गांजा सप्लाई हुआ, उनके बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी मिली है, और उसके लिए अभी हम लोग शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रयास कर रहे हैं। तो जानकारी मिल पाई सर, कहाँ से ये लाए थे और कहाँ? अभी तो वलसाड डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से लाना बताया जा रहा है, लेकिन अभी उसका हम वेरिफिकेशन करा रहे हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि आगरा में किसको दिया जाना था, उस पर भी हमारी टीम काम कर रही है।